फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं ग्रीन मटन ग्रेवी। सो बहुत ही इजी, बहुत जल्दी पकने वाला ग्रेवी है ये। सो अब इसके लिए आपको चाहिए 1/2 kg मटन। सो मैंने इसको अच्छा धो चुकी हूँ, धो के रख चुकी हूँ। और हमको चाहिए ये ग्रीन मसाला। सो अभी इस मसाले को बनाने के लिए हमको चाहिए प्याज। मैंने 2 प्याज ले चुकी हूँ और 4 हरी मिर्च और पुदीना और खुतिमीर और 1 स्पून सॉल्ट, 1 स्पून अदरक लहसुन पेस्ट और 1 स्पून काली मिर्च। मैंने पाउडर नहीं ऐड कर चुकी हूँ काली मिर्च। काली मिर्च जो वो धाने रहते ना, उसको मैंने ऐड करी हूँ। और इसको अच्छे से ग्राइंड करके फाइन पेस्ट बना लेना है। और उसके बाद स्टोव ऑन करके हमने कुकर रख चुके हैं और इसमें ऑयल डाले हैं हमने। और उसके बाद मैंने अब इसमें ऑयल 2 स्पून डाल चुकी हूँ और इसमें ड्राई मसाले सब डाल चुकी हूँ, जो लौंग, इलायची, पट्टा और तेजपत्ता। और इसको थोड़ा सा फ्राई होने देना है अभी। फ्रेंड्स, अभी मसाले फ्राई हो चुके हैं, अभी हम डालेंगे मसाला। ग्रीन मसाला की दाल को थोड़ा सा फ्राई भूनना चाहिए ताकि ये कच्ची बात जो है उसको चले जानी चाहिए। अभी इसको हम मिनिमम 5 to 6 मिनट्स हम इसको भूनेंगे अच्छे से। हमारा मसाला अच्छा सा फ्राई हो चुका है फ्रेंड्स, थोड़ा डार्क ग्रीन में भी आ चुका है, आप देख सकते हो। और उसके बाद हम इसमें ऐड करना है हमारा जो मटन को ऐड करके उसको थोड़ा सा 5 to 6 मिनट्स आपको पकाना चाहिए। अच्छे से मिक्स करके पकाना है फ्रेंड्स, बट जस्ट 5 to 6 मिनट्स के लिए पकाना है इसको। ये अच्छे से पक चुका है, अब इसमें डालना है 1/2 ग्लास वाटर। अभी हमने वाटर ऐड कर लिए फ्रेंड्स। अभी हमको कुकर क्लोज करके 5 to 6 विजल्स या 7 विजल्स रख सकते हो, आपका गोश्त कैसा है देखकर आप उतने विजल्स रखिए। अभी हम लिड क्लोज कर लिया और विजिल भी लगा चुके हैं। अभी हम इसको 7 विजल्स रखेंगे और प्रेशर जाने के बाद आपको बताती हूँ। और अब कुकर का प्रेशर जा चुका है, अब इसको ओपन करके देख लेंगे। वाओ, परफेक्टली पक चुका है अभी ये। ग्रेवी का थिकनेस भी परफेक्ट है, किसी किसी का थोड़ा सा लिक्विड स्टेज में है, तो अब इसको स्टोव ऑन करके पका भी सकते हैं उस स्टेज में। भी चेक करेंगे गोश किस तरह पक चुका है। अभी हमारा गोश भी परफेक्ट से पक चुका है फ्रेंड्स, किसी का गला नहीं तो गोश आप और प्रेशर रख के, मतलब और विजल्स रख के पका सकते हो। मेरा तो परफेक्टली कुक हो चुका है 8 विजल्स को। अभी आप लोगों को मैं सर्व करके बताती हूँ फ्रेंड्स। अभी मैंने इसको सर्विंग बाउल में ले चुकी हूँ और इसको थोड़ा सा कुकमी से डेकोरेट कर लेंगे अभी हम। फ्रेंड्स, रेडी है बहुत इजी और टेस्टी ग्रेवी, मटन ग्रीन ग्रेवी। तो आप इसको चपाती से या राइस से खा सकते हो, बहुत बहुत टेस्टी लगेगा फ्रेंड्स। रेडी है हमारा एमी ग्रीन मटन। और फ्रेंड्स, इसको आप प्रिपेयर करिए और मेरे को कमेंट करिए आपको टेस्ट कैसा लगा है, हमारी रेसिपी कैसी लगी आपको।